देखो क्वेश्चन है अपने सामने, इन ट्राइंगल इन द गिवन फिगर रेडियस दिए सर्कल की 14√2 पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, 4 आइडेंटिकल स्क्वायर दिए हैं अपन को। वॉट इज़ द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर, स्मॉल ऑल स्मॉल स्क्वायर के एरिया अपन को निकालना है। तो उसके लिए अपन को चाहिए स्मॉल स्क्वायर की साइड। अब देखो स्मॉल स्क्वायर और बड़े स्क्वायर के बीच का रिलेशन एक अपन को पता है। क्या पता है रिलेशन? कि बड़े वाले छोटे वाले स्क्वायर और बड़े स्क्वायर इन दोनों का एरिया का साइड का रेशो होता है 1:5। ठीक है, मतलब अगर अपन बड़े वाले की निकाल लेते हैं छोटे वाले की निकाल आएगी। बड़े वाले की कैसे निकालेंगे? देखो ये बनाया मैंने सर्कल का डायमीटर, यहाँ कहीं सेंटर होगा, डायमीटर कितना हो जाएगा? आप बोलो सर अगर 14√2 रेडियस है तो डायमीटर इसका डबल ही होगा ना, 28√2। अगर 28√2 का अपना डायमीटर आ गया तो स्क्वायर की साइड नहीं निकाल सकते। आप बोलो सर 28 आ जाएगी, ये तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर ट्राइंगल रहता है और इसकी साइड 1:1 होती है जब तो ये √2 होता है। अगर ये साइड 10:10 होती है तो ये 10√2 हो जाता है। ये साइड 20:20 होती है तो ये 20√2 हो जाता है। ये सबको पता है ना? तो ये आ गई साइड इसकी 28। अगर 5 यूनिट का मतलब 28 आ गया तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 28/5 जो कि क्या हो जाएगा? 5.6। ठीक है, 5.6 क्या आ गया अपने पास छोटे वाले स्क्वायर की साइड। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 5.6 का स्क्वायर जो क्या होगा, निकाल लेते हैं। 5.6 मतलब 5.6 6×6 36 5×25 6×6 36 5×5 25 और 5×6 30 को दो बार लिखो 60। ये 6, ये 3, 6×5 11 और ये आ गया 31.6। ये आ गया एक स्क्वायर का एरिया, लेकिन अपन को 4 का निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 31.36×4 तो ये देखो 3×4 12 लगभग 12.125 के आसपास आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,